क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने आज शाम को चिंगचिरला, जहां हाल ही में फिरका वाराना तसादुम हुआ, उस मकाम पर जाने का ऐलान किया था, जिस पर तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह के घर का दौरा किया और उन्हें घर से बाहर न निकलने का मशवरा देते हुए उन्हें नज़रबंद कर दिया। देखा जा रहा है कि बीजेपी किस तरह इस फिरका वाराना तसादुम को हवा दे रही है और हिंदुओं को भड़काने की मुसलसिल कोशिश कर रही है। होली के दिन चिंगचिरला में हिंदू फेस्टिवल मना रहे थे, होली खेल रहे थे, होली दहन कर रहे थे साउंड सिस्टम लगाकर, लेकिन बाजू की एक मस्जिद में से एक झुंड आता है, महिलाओं पर वहां पर होली खेल रहे नौजवानों पर पथराव करते हैं, लाठी डंडों से हमला करते हैं और उनको घायल करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पुलिस सिर्फ एक साइड ही कार्रवाई करती है, हिंदुओं के ऊपर उल्टा मार खाने वालों के ऊपर पुलिस केस बुक करती है। और जो सौओं की संख्या में जो मस्जिद में से निकलकर जो लोगों ने हमला किया है, सिर्फ 7 मेंबर्स के ऊपर पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से, के एक समय पहले TRS की सरकार थी, वो समय पर भी हिंदुओं पर जुल्म ही हुआ। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने आज शाम को चिंगचिरला, जहां हाल ही में फिरका वाराना तसादुम हुआ, उस मकाम पर जाने का ऐलान किया था, जिस पर तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह के घर का दौरा किया और उन्हें घर से बाहर न निकलने का मशवरा देते हुए उन्हें नज़रबंद कर दिया। देखा जा रहा है कि बीजेपी किस तरह इस फिरका वाराना तसादुम को हवा दे रही है और हिंदुओं को भड़काने की मुसलसिल कोशिश कर रही है। कहते हैं ग़िज़ा और ज़ायके का संगम जहां हो, बात तो वहीं बनती है। पिस्ता हाउस हलीम, बेहतरीन गोश और असली मसालों का मिलन, इसमें कई किस्मों की दालें, ज़ायका वो जो ज़बान से उतरते ही ऐसे घुले मिले कि दिल भर दे, खुशबू जो आपके तवज्जो को हर तरफ से खींचे। हैदराबाद की सबसे मशहूर हलीम पिस्ता हाउस हलीम, बार बार हमें इफ्तार की मेहमान नवाजी के मौके देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।